इस दिवाली चीन को कौन सबक सिखाएगा? बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां? नहीं नहीं, ये काम इस साल होगा हमारी गौ माता के आशीर्वाद से। जी हां, चीन को हमारी गौ माता ही सबक सिखाएंगे इस दिवाली। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस बार एक कसम खाई है गाय के गोबर से 33 करोड़ दियों को बनाने की और उन्हें भारतीय बाजार में उतारने की, ताकि देश इस बार चाइनीज लाइट और चीनी खुशबू वाली मोमबत्तियों से नहीं, बल्कि गौ माता के आशीर्वाद से जगमग हो। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इससे क्या होगा, तो सुन लीजिए। एक तो सीधे सीधे चीन को कड़ा संदेश जाएगा, दूसरे गौ माता के गोबर से बने दिए इको फ्रेंडली होंगे, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करेंगे। ये दिए गोबर से बनेंगे तो सस्ते भी होंगे और सबसे बड़ी बात, आर्थिक रूप से परेशान गौशालाओं को मदद मिलेगी, यानी वही वोकल फॉर लोकल। इस अभियान में शामिल होने के लिए 15 से ज्यादा राज्य तैयार हो गए हैं। अब ये दिवाली तो वैसे ही खास है, रामलला के मंदिर का शिलान्यास होने के बाद पहली दिवाली जो है, तो अयोध्या की जगमगाहट इस बार भला हर बार से ज्यादा क्यों ना हो। तो ऐसे में 3 लाख पवित्र दिए अयोध्या शहर में जलाए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख दियों से पीएम मोदी की काशी को रोशन किया जाएगा। मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2019 में स्थापित किए गए आयोग ने भी आने वाले त्योहार के दौरान गोबर से बने उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया हुआ है। इस काम में एनजीओ और गौशालाओं से सहायता ली जा रही है। आयोग गाय के गोबर से बने उत्पादों को स्वयं नहीं बना रहा, बल्कि लोगों को ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चीन से तनातनी के बीच इस बार दीपावली के लिए चाइनीज झालरों के ऑर्डर देश के व्यापारियों ने पहले ही बुक नहीं किए हैं। व्यापारी खुद ही देसी झालर और फैंसी लाइट बना रहे हैं। चीनी सामान से परहेज की मानसिकता तो देश में पहले ही जग चुकी थी, लेकिन इस बार जंग आमने सामने की है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से उम्मीद भले ही लगा लीजिए, लेकिन ये मानकर चलिए कि चीन को मात तो हमारे गांव गांव और शहर शहर में बसे लोकल काम धंधे ही दे सकते हैं, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल हैं।